बच्चों, एक बार एक पिंड विच दो मित्र रहिंदे सी। एक दा नाम राम सी अते एक दा नाम श्याम सी। दोनां ने सोचिया कि ओ अपना अपना स्कूटर खरीदणगे। फिर ओ की करदे हन, उन्हां नूं रुपईयां दी जरूरत सी। दोनों मित्र ब्याज ते रकम उधार लैण लई बख-बख शाहूकारां कोल गए। राम ने पहले शाहूकार कोलों 20,000 रुपए 8% सलाना दर ते 2 सालां लई साधारण ब्याज ते उधार ले। अते शाम ने दूजे शाहूकार कोलों 20,000 रुपए 8% सलाना दर ते 2 सालां लई मिश्रत ब्याज ते उधार ले, जिथे ब्याज सलाना जुड़दा है। आओ पता करदे हां दोनां नूं किन्ना किन्ना ब्याज देना पिया। राम लई मूल धन 20,000 सी, दर 8% सलाना सी, समा 2 साल सी। साधारण ब्याज मूल धन गुणा दर गुणा समा बटा 100 हुंदा है। मतलब 20,000 गुना 8 गुना 2 बटा 100। इस नूं हल करके साडे कोल ब्याज किन्ना आ गया, 3200 रुपए। राम ने 2 सालां बाद 3200 रुपए ब्याज देना पवेगा। ते राम नूं कुल किन्नी रकम अदा करनी पवेगी? मूलतन जमा ब्याज। मूलतन किन्ना है? 20,000 जमा 3200। उसकी कुल राशि किन्नी हो गई? 23,200 रुपए। आओ शाम दी गल करदे हां। पहले साल दे लई ब्याज मूलतन गुना दर गुना समा बटा 100। 20,000 गुना 8 गुना 1 बटा 100। इसनु हल करके 1600 रुपए आ गया। दूजे साल लई मूलतन, पहले साल दा मूलतन जमा पहले साल दा ब्याज 20,000 जमा 1600। मतलब दूजे साल लई मूलतन 21,600 रुपए होवेगा। दूजे साल दा ब्याज 21,600 गुना 8 गुना 1 बटा 100। इसनु हल करके 1728 रुपए आ जांदा है। इसदा मतलब कुल देन जोग ब्याज किन्ना हो गया? 1600 पहले साल लई, 1728 दूजे साल लई। दोवां नूं जोड़ कीता तां 3328 रुपए। कुल राशि किन्नी देनी पवेगी? 20,000 जमा 3328। मतलब 23,328। दोवें स्थितियां विच असी देख सकते हां शाम नूं राम तों बद ब्याज देना पवेगा। इस तरह तुसी देख सकते हो कि मिश्रत ब्याज हमेशा साधारण ब्याज तो बद हुंदा है, क्योंकि ब्याज दी गणना पिछले साल दी राशि ते कीती जांदी है। सर जी, सानू मिश्रित ब्याज बारे समझ लग गई है, पर एक गल मेरे समझ नहीं आई। अगर शाम दित्ती रकम 10 साल लई उधार लेंदा है तां की इस विधि नूं 10 बार करेगा? इस तरह तां ए प्रक्रिया बहुत लंबी हो जावेगी। की इस प्रक्रिया नूं किसी आसान विधि नाल कर सकने हां? हां बच्चो, इस नूं असी एक आसान विधि नाल भी कर सकते हां, जिस नूं असी मिश्र धन दा सूत्र कहंदे हां, जो कि हेठ लिखे अनुसार है। कुल राशि
बराबर है मूलधन ब्रैकेट शुरू एक जमा दर प्रतिशत विच बटा 100 ब्रैकेट बंद उन्ना दी कांत समा मतलब अमाउंट बराबर है पी ब्रैकेट शुरू एक जमा आर बटा 100 ब्रैकेट बंद दी कांत एन जिस बिच पी प्रिंसिपल जाने की मूलतन आर रेट मतलब दर एन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब समानु दर्शांदा है। आओ हुन शाम दी 2 साला बाद देन जोग राशि दा पता इस सूत्र नाल लगाइए। मूलतन 20,000 समा 2 साल दर 8% सलाना कुल देन जोग राशि पी ब्रैकेट शुरू एक जमा आर बटा 100 ब्रैकेट बंद कांत एन अपा हुन एरे विच एरी मूल पावांगे पी 20,000 ब्रैकेट शुरू एक जमा 8/100 ब्रैकेट बंद पूरी कांत 2 जदों असी इसनु हल करदे हां असी देख सकदे हां 20,000 ब्रैकेट शुरू 108/100 दी कांत 2 20,000 गुना 108/100 गुना 108/100 इसनु हल करन ते साडे कोल 2 गुना 108 गुना 108 आवेगा जदों असी इना नु गुना करांगे साडे कोल कुल देन जोग राशि 23,328 रुपए आवेगी।